नमस्कार दोस्तों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर मैं डॉक्टर उदित राज साहब से उनको मिली हुई नई जिम्मेदारियों पर और कांग्रेस के जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए, 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस अपने दम पर किस तरह से मजबूती से आगे आए, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर उदित राज जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि आप इतने कद्दावर नेता हैं, कर्मचारियों में, असंगठित क्षेत्र के लोगों में आपकी एक पहले से पकड़ है और आपको कांग्रेस आला कमान ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, तो इस जिम्मेदारी को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपका क्या प्लान है? नया क्षेत्र है, असंगठित कामगार कुछ दिनों से पहले शुरू हुआ था लेकिन काम सुचारू रूप से नहीं चल पाया। कर्मचारी पहले बार जोड़े गए हैं एम्प्लाइज, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। लगभग 38 करोड़ कामगार हैं इस देश में, करोड़ों कर्मचारी हैं, अगर उनको जोड़ लिया जाता है तो कांग्रेस को सत्ता में पहुंचा देंगे 2024 में, यही हमारा उद्देश्य है। और जहाँ तक 5 राज्यों के चुनाव में है, जो रुझान आ रहे हैं, 4 राज्यों में तो सरकार कांग्रेस की बन रही है, बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भी हम अच्छी बढ़त ले चुके हैं, प्रियंका जी बहुत ही अच्छा वहाँ प्रदर्शन कर रही हैं और लाखों लाख उनकी रैलियों में आ रहे हैं, तो कांग्रेस जरूर बेहतर वहाँ करेगी। सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से प्रियंका जी जो है सक्रियता से लगी हुई हैं, उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा में जो परंपरागत वोट कांग्रेस का चला गया है, वो जो है वापस आने की कितनी संभावना है? काफ़ी संभावनाएं हैं, खासतौर से बसपा का वोट आएगा और ब्राह्मणों का भी वोट आएगा, तो ये अल्पसंख्यक का ये 3 तरफ से उम्मीद है कि वोट अच्छा आएगा, तो ऐसा दिख भी रहा। सर, ये अंबेडकर साहब जो हैं आइकॉन रहे हैं कांग्रेस के, जो है बहुत कद्दावर नेता माने गए हैं, उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, बावजूद इसके कांग्रेस को छोड़कर कुछ लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियां बना ली अंबेडकर जी का नाम लेकर, और वो जो है सौदेबाजी करते हैं, अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करके सत्ता में आते हैं, तो कांग्रेस में पुनर्वापसी हो जाए अंबेडकरवादियों की, खास तौर से उसके लिए आप अपने स्तर पर क्या प्रयास? सवाल बहुत अच्छा पूछा है, सवाल ही आपने बड़ा महत्वपूर्ण पूछा है। मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं उसी आंदोलन से निकल के आया, उनको लाया जा सकता है, लेकिन जो भ्रांति पैदा कर दी है बहुजन समाज पार्टी ने कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया और सरदार पटेल ने यह भी कह दिया था कि पार्लियामेंट के दरवाजे क्या खिड़कियां भी बंद कर दिया गया है और बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को चुनाव में हराया, ये चारों बातें गलत हैं। एक तो ये जब महाराष्ट्र से चुनाव जीतने संभव नहीं था डॉक्टर अंबेडकर का, तो ईस्ट बंगाल से चुनाव लड़े थे जिसमें जोगिंद्र नाथ मंडल ने मदद किया था, और भारत के पार्टीशन के पहले, तो उसमें कांग्रेस के रोकने या न रोकने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात है, संविधान सभा में, संसद में चुनवा करके कांग्रेस ही लाई थी अपने सीट से। तीसरी बात है कि उनको मंत्री बनाया। चौथी बात है कि डॉक्टिंग कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन बना, और 1954 में भी उनको राज्यसभा भेजने में मदद किया, और हिंदू कोड बिल के ऊपर मतभेद था, वो मतभेद नेहरू जी से नहीं था बल्कि उस समय पार्लियामेंट का कंपोजिशन ऐसा था कि लगभग 50% ब्राह्मण समाज के लोग थे, उन्होंने हिंदू कोड में बिल का विरोध किया था, क्योंकि हिंदू कोड बिल में लड़की को भी लड़के के बराबर अधिकार दिया जा देने की बात थी, पति कितनी भी शादी कर सकता था वो इजाज़त थी, और औरत चाहे गर्भ में भी उसका शादी तय कर दी जाती थी तो भी पूरे जीवन, अगर वो मर जाता था तो पूरे जीवन विधवा रहती थी।
और पति अपनी संपत्ति बिना पत्नी की इजाजत के लिनेट मतलब किसी को दे जा सकता था, उत्तराधिकारी किसी को बनाया जा सकता, इसको सब खत्म करने का प्रावधान था। तो इसका विरोध बहुत हुआ था, आरएसएस ने भी इसका विरोध किया था सारा कुछ, लेकिन पार्लियामेंट उस समय तैयार नहीं थी। नेहरू जी ने कहा था इसको हम करेंगे लेकिन चुनाव हो जाने के बाद। बसपा ने क्या किया, बड़ा प्रचारित किया इसको, और काशीराम जी कहा चमचा चमचा, लेकिन काशीराम जी ने जिस तरह से चमचे पाले उतना कोई चमचा पाला ही नहीं। वो एमपीओं को एमएलओ को भी नीचे बैठाते थे और कांग्रेस के ऊपर यही आरोप था कि चमचा किया। तो अब उन अम्बेडकरवादियों को जो बाहर हैं उनको ये बात बतानी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, वो आ जाएंगे, आएंगे ज़रूर, इतना तय है कि उनका आना निश्चित है। इन चीज़ों के ऊपर उनको बरगलाया गया था। आज बाबा साहब अम्बेडकर का 50वां दिवस है, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा था, बौद्ध धर्म में गए थे। आज धर्म की आज़ादी नहीं रह गई है। अभी चर्च के ऊपर हमला हुआ कर्नाटक में, हर जगह तो उत्पात मचाते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में है कि सभी को अपने मर्जी के धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। तो उनको तो वापिस आना है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर से वो मोहब्बत करते हैं, अगर आरक्षण उन्हें चाहिए, संविधान बचाना चाहिए, तो अपने हित में बाबा साहब का सम्मान करते हुए कांग्रेस में लौटना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही पार्टी है जो बीजेपी को हटा सकती है। तो जो हटा सकती है, जो विकल्प है, वहाँ अगर वो नहीं आएंगे तो इसके मतलब कि वो भी चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और आरक्षण खत्म हो जाए। केवल इस बात के भ्रम में कि हम सरकार, अपनी सरकार होगी, हम हुकुमरान बनेंगे, तब तक सब कुछ सत्यानाश हो चुका होगा। सर आखिरी सवाल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के पौत्र प्रकाश अंबेडकर साहब से मैंने वार्ता की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति ही सबका लगाव है और कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है, हटा सकती है, लेकिन कांग्रेस उतनी गंभीर नहीं दिखती है, उन्होंने ये बात कही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कुछ कमियां रही हैं, ऐसा नहीं कहता हूँ कि कमियां नहीं थी। अब उसको दूर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन नहीं किया गया जब कांग्रेस के ऊपर हमला हो रहा था, हमला दर हमला होता रहा, तो उस समय इस हमले को रोकना चाहिए था। अब स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। धन्यवाद।